पहली बार उन्होंने गोल्फ के ऊपर एक गेम अटेम्प्ट किया स्मैश ने, जो बहुत ही बढ़िया है। क्या गोल्फ को उसका जो डिस्टेंस है, उसको जो प्रिंसिपल है, गोल्फ का प्रिंसिपल, वो बहुत डिफिकल्ट है स्टिमुलेट करने के लिए, लेकिन मुझे ताजुब है कि इन्होंने इतनी जल्दी कर दिया। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी है कि स्मैश जैसे एक गेमिंग जगह ने, मतलब मैं यहाँ बहुत एक दो बार आ चुका हूँ, लेकिन जो मेरे सब बच्चे जो है, फैमिली के बच्चे जो है, वो हर वीकेंड यहीं आके गुजारते हैं, और मुझे बहुत बढ़िया लगा कि इतनी चीज़ें यहाँ करने के लिए जो बच्चों को एंटरटेन करके रखती है। फिल्म गोल्फ के ऊपर नहीं है, इट्स अ रैच टू रिचेस स्टोरी, इट्स एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। क्या अगर आपके पास एक विल है, अगर आपके पास एक ड्राइव है, आप बिलियर्ड्स हो, गोल्फ हो, पोलो हो, जो लोग समझते कि ये रिच मैन स्पोर्ट है और लोग उसके अंदर घुसते नहीं है, अगर आपने वो एक इच्छा है तो आप खेल सकते हो। तो बेसिकली इट्स इंस्पिरेशनल फिल्म। गोल्फ एक सिर्फ जरिया है वो दिखाने के लिए। सब लोगों को पोलो में एक ट्रेलर में एक इनोसेंस सी नज़र आ रही है, एक क्यूटनेस, एक कनेक्टिविटी नज़र आ रही है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है पूरे 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 ट्रेलर का। तो आज पूरी फिल्म भी उसी आधार पर कि आप बहुत भारी भरकम ये सारी चीज़ें लें, क्यूटनेस और स्माइलिंग फेस आपका रहेगा, आप देखते देखते इंस्पायरिंग स्टोरी देख चुके होंगे।